कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसले बुलंद हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। गोरखपुर के किसान के बेटे ने छोटी उम्र में ही वो बड़ा काम कर दिया, जिससे गांव के युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील के अहिरौली गांव के रहने वाले हरिकेश मौर्य, जो गांव की पगडंडियों पर दौड़ते हुए अमेरिका तक पहुंच गए। साल 2017 में हरिकेश ने अमेरिका में आयोजित हाफ मैराथन में दूसरा स्थान हासिल किया था, तो उस वक्त वहां उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। तभी से वो अमेरिका के टेक्सास में है और ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच उन्हें कीनिया, नाइजीरिया जैसे तमाम देशों की यात्रा की और इस दौरान उन्हें दूसरे देश से खेलने का ऑफर मिला। लेकिन हरिकेश का सपना है कि साल 2021 के ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल कर सके, इसलिए उन्होंने सारे ऑफर ठुकराकर इस समय अमेरिका में 2021 ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका से भेजे गए वीडियो संदेश में हरिकेश ने बताया कि उनका सपना है कि एक दिन वो देश के लिए स्वर्ण पदक ला सके। मेरे लिए बहुत शान की बात होगी, देश के लिए बहुत शान की बात होगी, और वो तिरंगा लेकर लिए मैं अपने सीने पर मैं भारत के लिए गोल्ड जीत सकूं। कोरोना महामारी में जब हालात बदले तो हरिकेश को अमेरिका से मिलने वाली स्कॉलरशिप भी बंद हो गई और उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तब उनके सपने को पूरा करने के लिए उनके पिता ने खेत बेचकर हरिकेश को 6.5 लाख रुपए भेजे, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि सरकार की ओर से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। हम मंत्रियों के पास, तमाम विधायकों के पास दौड़े, लेकिन कोई जो है सहयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए मजबूर होकर के जो अपना खेत हम बेच दिए। हरिकेश मौर्य 15 साल की उम्र में ही मैराथन के धावक है। महज 14 साल की उम्र में हरिकेश साल 2010 में मुंबई ऑफ मैराथन में भाग लिया था। साल 2011 में 40 किलोमीटर इंटरनेशनल मैराथन में नंगे पैर दौड़कर उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था, जबकि साल 2015 में उसने नेशनल गेम्स में 4था स्थान, तो वहीं साल 2015 में ही असम में हुई 10 किलोमीटर मैराथन में विजेता बन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। लेकिन हरिकेश के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। घर छोड़ने के बाद हरिकेश ने संघर्ष का एक लंबा दौर रखा। दुकानों पर जाकर करके मैंने नौकरियां ढूंढी, पूछी, मजदूरी की वहां पे, उस पे मिट्टी फेंके मैंने, उस पे कंकड़ फेंके और मजदूरी किया, उस स्तर पे मैंने जाकर के मजदूरी किया। अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर हरिकेश आर्थिक तंगी के बावजूद जिस तरह अमेरिका में डटे हुए हैं, वो गांव और आसपास के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, और वो दिन दूर नहीं जब वो अपने जज्बे के बलबूते देश के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने में सफल होंगे। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।